तो गाइस, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि द गोट लाई मूवी जो है हमारे यहाँ पे नजदीकी थिएटर में कहीं पे भी इवन 100 किलोमीटर की दूरी पे किसी भी थिएटर्स में द गोट लाई मूवी जो है वो नहीं लगी है बोल करके। तो मैंने रिव्यू वो आर्टिकल वगैरह पोर्टल वगैरह वो सारा चीज को पढ़ करके वहां पे किस तरह का रिव्यू आ रहा है, लोगों का रिएक्शन कैसा है, उसी हिसाब से मैंने रिव्यू दिया था। तो गाइस, वो रिव्यू वगैरह पढ़ करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि OTT पे जब आएगा तभी देखेंगे, लेकिन गाइस मैं लिंक के थ्रू फिल्म देख लिया भाई, इतना खतरनाक। मैं एक चीज पहले से जरूर कहना चाहूंगा, आप फिल्म को देख नहीं पाओगे, ठीक है ना, फिल्म को देख नहीं पाओगे। पहले तो 30-40 मिनट तक तो सही है, ओके, उसके बाद आप देख नहीं पाओगे। मैं तो कई दफा अपनी स्क्रीन को बंद कर देता, मोबाइल से साइड कर देता था। कल रात को मैं सो करके देख ही रहा था फिल्म, साइड कर देता था। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई, ये रियल स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाया गया है। सच में नाज़िब कैरेक्टर जो है पृथ्वीराज सुकुमारन जी का, वाकई में एक इंसान है, और ये दर्द वो हकीकत में झेला है। भाई पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो दर्द झेलने का एक्टिंग कर रहे हैं, उनको वाकई में दर्द नहीं हो रहा है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। जरा सोचो कि हकीकत में वो दर्द अगर कोई झेल रहा होगा तो, उस तरह का सिचुएशन उसके लाइफ में आ जाएगा तो क्या होगा, और वो नाज़िब के साथ क्या, मतलब बयां भी नहीं कर पाएंगे हम यार, सोच भी नहीं भाई, कल्पना नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। और पृथ्वीराज सुकुमारन जी का एक्टिंग इस फिल्म में जो काम हुआ है ना भाई साहब, अब जब फिल्म देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो रेगिस्तान में मैं खुद हूँ, मैं खुद इस तरह का दर्द झेल रहा हूँ, ऐसा फील होगा। इसलिए तो मैं आपको शुरू से बोल दिया कि फिल्म देख नहीं पाओगे, साइड कर दोगे, बंद कर दोगे आप, इतना खतरनाक है भाई। एकदम से वर्ल्ड क्लास लेवल की परफॉर्मेंस दिए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, यही कहलाती है डेडिकेशन, यही कहलाती है एक्टिंग भाई। अगर ये चीज़ आपको देखना पसंद आती है ना, तो जा करके ये फिल्म को देखो, पूरा देखो, आपको समझ में आएगा क्या होता है एक्टिंग, क्या होते हैं एक्टर्स। मज़ा आ गया। पृथ्वीराज सुकुमारन जी, वरदराज मन्नार जी, आपको सलाम है, सलूट है, क्या काम करे हैं भाई, क्या काम करे हैं। लिटरली ऑस्कर अगर मेरे हाथ में होता तो अभी दे देता, लिटरली बहुत मज़ा आ गया। और मैं अभी इस फिल्म की कलेक्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल ही हम बात कर रहे थे कि फिल्म को लोग देखने नहीं जा रहे हैं, इसलिए थिएटर्स वालों को पता है, इसलिए इस फिल्म को नहीं लगाए हैं, इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन हम गलत थे भाई। फिल्म लोग देखने जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को 1724 समथिंग स्क्रीन्स में रिलीज किए गए हैं, 1700 स्क्रीन में रिलीज किए गए हैं, ठीक है ना। कलेक्शन कितना आया है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ 1700 स्क्रीन से 16 करोड़, तकरीबन 17 करोड़ समथिंग इसका कलेक्शन आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड ओनली 1700 स्क्रीन भाई है, बाकी सारी फिल्मों की तरह 4000 5000 स्क्रीन में अगर फिल्म को रिलीज किया गया होता तो कलेक्शन और कुछ होता है। मतलब फिल्म के ऊपर लोगों का नज़र है, फिल्म को देखने के लिए लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, बस थिएटर्स वाले नहीं लगाए हैं भाई, लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये कलेक्शन वगैरह देख करके, ये क्राउड देख करके, खास तौर पे थिएटर्स में कई शोज बढ़ेंगे, ओके, और बढ़नी भी चाहिए, लोगों के पास पहुंचने भी चाहिए। कम से कम ये पायरेसी वगैरह से लोग ना देख पाए और जल्दी से शोज बढ़ जाए और लोग थिएटर्स में जाकर के इस फिल्म को देखे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एडवेंचर है, ओके। रेगिस्तान का सीन वगैरह वो सारा चीज़ मैं फील कर रहा था कि थिएटर में बड़ा मज़ा आएगा, और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। वो जो साउंड है AR रहमान जी का, जो BGM है इसमें, वो सारा चीज़ को थिएटर्स में आपको और भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा, और भी ज़्यादा दर्दीला फील होगा। सोच बढ़ने चाहिए मेरे भाई, सोच बढ़ने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो Day 1 कलेक्शन का रिपोर्ट जो आया है, 1700 स्क्रीन में 17 करोड़ का कलेक्शन, जो खतरनाक कलेक्शन है, मतलब एक एक स्क्रीन में 1 करोड़, ओके, दिस इज कलेक्शन एक्चुअली, ओके, जबरदस्त कलेक्शन। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोच बढ़नी चाहिए और इस फिल्म का बोला वाला सबके पास पहुंचनी चाहिए, और खास तौर पे पृथ्वीराज सुकुमारन जी का परफॉर्मेंस के बारे में सब लोग वाकिफ होना चाहिए कि भाई किस लेवल की एक्टर है वो एक्चुअली में। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। आप द गोट लाई मूवी देख चुके हो कि नहीं, एक कमेंट जरूर करिएगा, और देखते वक्त आपका हालत कैसा था मेरी तरह, आप एक कमेंट जरूर करिएगा।